हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सभी जाते एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। आज का मेरा मौजू है झूठी गवाही शायद खुदावंदी वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, और वो लोग जो झूठी गवाही नहीं देते हैं अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। एक रिवायत में है कि झूठी गवाही अल्लाह ताला के साथ दो मरतबा शरीक ठहराने के बराबर है। और शायद खुदावंदी वस्तनी बुकाल अज़्ज़ूर, और झूठी बात से बचो। हदीस शरीफ में है कि कयामत के दिन झूठी गवाही देने वाले के कदम अपनी जगह से नहीं उठेंगे हत्ता कि उनकी जहन्नम वाजिब हो जाएगी। हजरत मुसन्निफ रहमान ने इरशाद फरमाया, झूठी गवाही देने वाला कई बड़े गुनाह का मुर्तकिब होता है, जिसमें से एक झूठ बोलना और झूठ बांधना है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना अल्लाह ला यहदी मन हुवा मुशरिकुन कज़्ज़ाब, बेशक अल्लाह ताला हद से बड़े झूठे को हिदायत नहीं देता। हदीस शरीफ में है कि मोमिन की फितरत में हर बात हो सकती है, लेकिन खयानत और झूठ नहीं हो सकता। झूठी गवाही देने वाला दूसरा बड़ा गुनाह यह करता है कि वो जिसके खिलाफ गवाही देता है उस पर भी जुल्म करता है, और उसी के जरिए से उसका मान इज्जत जान सब कुछ चला जाता है। तीसरा बड़ा गुनाह यह करता है कि जिसके खिलाफ गवाही देता है उस पर भी जुल्म करता है, और वो उस गवाही के जरिए से उसका खराब माल पहुँचाता है और वो उससे लेता है, बस उसके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है। हजरत मुसन्निफ अल रहमान ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लिए उस मुसलमान भाई का नहक फैसला किया गया हो वो उसे ना ले, क्योंकि उसके लिए जहन्नम का टुकड़ा काटा गया, उसके लिए जहन्नम का टुकड़ा काटा गया। और चौथा बड़ा गुनाह ये करता है कि वो जिसके खिलाफ गवाही देता है उसने इस चीज को जायज़ और हलाल किया, अल्लाह ताला ने जिसको हराम और मासूम करार दिया, यानी दूसरों का माल खून और इज्जत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में से भी बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? फिर तुम अल्लाह ताला के साथ ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना सुनो, और झूठी बात करना सुनो, और झूठी गवाही देना आप मुसलसल ये बात फरमा रहे हैं कि अब तक हमने कहा कि काश आप खामोश हो जाए। इस हदीस को इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अलैहि ने नकल किया। हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, हमें हर मुसीबत से सलामती और आफियत अता फरमाए। बस मैं अपनी बात को इसी बात पे खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।